हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, यदि आप एमए प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में कराएंगे आज पेपर कोड 474 का सेकेंड चैप्टर यानी सेकेंड यूनिट। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट करा दी, आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको 110 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुक का नाम है लोकल गवर्नेंस इन इंडिया यानी भारत में स्थानीय स्वशासन। तो चलिए इसका देखते हैं, सेकंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है स्थानीय शासन का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्भव और विकास। ठीक है, इसमें 110 क्वेश्चन है तो बहुत ही फास्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि हम एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकंड ईयर का संपूर्ण कोर्स अपने यूट्यूब पर कराते हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिला प्रशासन का वास्तविक शासक कौन होता है? तो जिला प्रशासन का वास्तविक शासक जिलाधिकारी होता है। कौन? जिलाधिकारी जिला प्रशासन का वास्तविक शासक होता है। दूसरा, स्थानीय स्वायत्त शासन किस सूची के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य सूची के अंतर्गत है। तीसरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में प्रारंभ हुआ। कब? सन 1952 में। चौथा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। क्या? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य था। पांचवा, बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष बनी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। छठा, बलवंत राय मेहता थे गुजरात के मुख्यमंत्री। बलवंत राय मेहता थे कौन? गुजरात के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सन 1959 में प्रारंभ हुई। कब? 1959 में। ये मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था। आप सातवें क्वेश्चन को जरा गूगल पर सर्च करके देख लें कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो सन 1951 जो दे रखा है, तो आप इसको एक बार गूगल पर सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुई, राजस्थान में। 9, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। 10वां, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था का, जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव बलवंत राय मेहता ने, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने दिया। 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव किस वर्ष दिया? तो 1957 ईस्वी में दिया। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए सुझाव दिया। तो आप एक बार इसको देख लो, शायद ये ठीक है 1959। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक मेहता समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 13, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना किस स्तर पर नहीं की गई? तो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना राज्य स्तर पर नहीं की गई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14, नई पंचायती राज योजना का निर्माण किस संशोधन के तहत किया गया है? तो नई पंचायती राज योजना का निर्माण 73वां
संशोधन के तहत किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15, पंचायती राज योजना को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संशोधन विधेयक पहली बार लाने का प्रयास किया गया था? तो राजीव गांधी, किसका? राजीव गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन ए सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 18, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ। 19, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने वर्षों की सूची की व्यवस्था दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29। क्वेश्चन नंबर 21, नगर पालिकाओं से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का भाग 9 क्या है नगर पालिकाओं से जुड़ा? किससे? संविधान का जो भाग 9 क्या है वो नगर पालिकाओं से जुड़ा है। 23, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है तो महानगर कौन कहलाता है? 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र वो कहलाता है महानगर। 24, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गांव ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। क्या है? गांव ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान है प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात। क्या? प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात इसका चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों एक और दो ठीक है। यानी पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के आय के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। सेकंड, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में एक नगर पालिकाओं की संख्या में सम्मिलित नहीं है, तो ग्राम सभा नगर पालिकाओं की संख्या में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है मतपत्रों की गणना, ये 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को किस योजना से महत्व दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया भाग 9, क्या जोड़ा गया? भाग 9। 31, संविधान के अनुसार भारत में संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसका? संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 33,
विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थानीय शासन। क्या? स्थानीय शासन। 34, लोकतंत्र की आधारशिला है? तो स्थानीय शासन लोकतंत्र की आधारशिला है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 35, निम्नलिखित में से किसमें नागरिक गुणों का विकास होता है? तो स्थानीय शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय शासन, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, स्थानीय शासन के प्रबल समर्थक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले और लास्की, ये सभी स्थानीय शासन के प्रबल समर्थक हैं। 36 का ऑप्शन डी, ये सभी। 37, स्थानीय शासन का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसके हाथ में विधायक शक्तियां होना। क्या? उसके हाथ में विधायक शक्तियां होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 38, स्थानीय शासन की सबसे बड़ी चुनौती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों कौन कौन से? संचार के साधन, यानी संचार के साधन, राष्ट्रव्यापी राजनीति दल, स्थानीय स्तर पर प्रबंध से आर्थिक घाटा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है? राजस्थान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 40, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? तो पंचायत समिति को। क्या? पंचायत समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 41, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का कार्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल तालमेल एवं परिवीक्षण होगा। क्या? केवल तालमेल एवं परिवीक्षण होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। क्या? अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं कि पंचायत राज को दो स्तर हों, यानी पंचायत राज के दो स्तर हों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति के प्रमुख सिफारिश क्या थी? वो थी कि पंचायत राज के दो स्तर हों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 44, अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की है कि, ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। 45, निम्नलिखित में किसका नाम विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड क्लाइव का नाम विकेंद्रीकरण से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था, यानी इसका संचालन नौकरशाही पर निर्भर था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? यानी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 3, 4 और 5, यानी दो को छोड़कर ये सभी हैं, यानी दो स्तरीय प्रणाली का सृजन, पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति, पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, यानी पंचायती राज की गतिविधियों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी, 5, अधिक्रमण होने पर 1 वर्ष की अवधि के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी संतानम समिति, पंचायती राज और वित्तीय प्रबंध, संतानम समिति, पंचायती राज और वित्तीय प्रबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को, यानी बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। किसका? जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से। किससे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। अभी हमारे 60 क्वेश्चन और हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके बाद बायवा बॉयस होगा आपका, उसकी भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। तो चलिए, और आप वीडियो को संपूर्ण देखा करें ताकि आपको आपसे कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई थी, क्रमानुसार बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 पहला हो जाएगा, यानी 3, 4, 1, 2। ओहो, क्वेश्चन नंबर अभी हम 51 की तरफ चल रहे हैं। यानी ग्रामीण स्थानीय शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर की ओर में व्यवस्थित करिए, यानी आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित करें। तो पहला आएगा 3, यानी ग्राम आएगा पहला, फिर आएगा 4 यानी परगना, फिर आएगा 1 यानी तीसरे नंबर पर आ जाएगा तहसील, फिर आएगा 2 यानी चौथे नंबर पर। इस तरीके से हो जाएगा ग्राम, परगना, तहसील, फिर उप संभाग। क्या? ग्राम, परगना, तहसील और उप संभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53, भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला। 54, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे, इस प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 55, केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 और 2, यानी इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की गई, इसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की गई, यानी ये दो ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, यानी ऑप्शन डी 1 और 2 इसके करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4, यानी पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पंचायत की सीटों को भरा जाता है। दूसरा, ग्राम सभा उन व्यक्तियों का एक निकाय है जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी ग्राम के निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है। चौथा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को वो शक्ति और प्राधिकार दे सकते हैं जिससे वे कार्य करने में सक्षम हो सके। 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 57, सूची एक को सूची दो से संबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं पहले कि सी है, यानी एका दूसरा, सरपंच ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। बी का तीसरा, यानी अध्यक्ष नगर पालिका, आपने देखा होगा नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, महापौर, ये होते हैं नगर निगम में, मेयर, महापौर नगर निगम में। और डी का चौथा, काउंसलर और परामर्शदाता, ये वार्ड में होते हैं, जो आपके वार्ड मेंबर होते हैं वो होते हैं काउंसलर और परामर्शदाता। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी का
चौथा। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो गए। पहला हो गया ये ग्राम यानी सरपंच ग्राम प्रधान यानी ग्राम पंचायत, सरपंच जो होते हैं ग्राम पंचायत में होते हैं। बी का तीसरा इस तरीके से हो जाएगा, अध्यक्ष नगर पालिका होता है। और आपका सी का हो जाएगा पहला और डी का ये हो जाएगा वार्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इसका उत्तर देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जिले में कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सेवाएं यानी योजना तैयार और संगठित या समेकित करता है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो कि जिले में कौन पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए योजना तैयार और संगठित या समेकित करता है। तो जिला योजना समिति करता है। कौन? जिला योजना समिति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से भारत में कौन सी शहरी नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं? 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको छोड़कर नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण व टाउन एरिया समिति, टाउनशिप समिति व पोर्ट ट्रस्ट, यानी 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 61, पेशा अधिनियम 1966 के संबंध में कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 तीसरे को छोड़कर 1, 2 और 4 ठीक है। यानी इसका उद्देश्य आदिवासियों के रीति रिवाजों को सुरक्षित व संरक्षित करना, इसका उद्देश्य ग्राम सभा स्तर पर सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना, केवल 2 राज्यों में पेशा प्रावधानों के साथ शिकायत हेतु विधायक यानी विधायन को अधिनियम किया है। तो 1, 2 और 4 इसके राइट आंसर हैं। 62, स्थानीय शासन हेतु केंद्रीय परिषद कब स्थापित हुआ? तो 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 1954। 63, स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित पदाधिकारियों को वापस बुलाने के प्रावधान को निष्पादित किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 64, तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। 65, कौन सा एक स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कानून व्यवस्था का रखरखाव, यह स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी यानी जिला योजना समिति का संविधान में उल्लेख नहीं है। महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्यों का चुनाव नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और महानगरीय क्षेत्रों की पंचायत के अध्यक्ष द्वारा होना चाहिए। तीसरा, जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों का निर्वाचन जिला स्तर के पंचायत के निर्वाचित सदस्यों तथा जिले की नगर पालिका द्वारा होना चाहिए, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए व कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, समिति और स्थापित वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2, 3, 1, 4 यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977, जे वी के राव समिति 1985, एल एम सिंधवी समिति 1986। इस तरीके से इसके उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी एल एम सिंधवी समिति की सिफारिश हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। न्याय पंचायत का सृजन गांवों को समूह के लिए होना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मान्यता, गांवों के लिए अधिक वित्तीय स्रोतों की व्यवस्था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69,
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या एकरसीय कार्यों में लगी हो, यह ठीक नहीं है। 71, भारत में स्थानीय स्वशासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। तो 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह पंचायतों से संबंधित नहीं है। 73, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संविधान दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 74, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में पंचायती राज विषय सम्मिलित है, राज्य सूची में पंचायती राज विषय सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होनी यानी कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3, कितना? कुल स्थानों का 1/3। क्वेश्चन नंबर 76, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता हेतु पंचायतों की भूमिका पर बल किस समिति द्वारा दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। 77, विकास खंडों द्वारा पूर्ण किए जाने वाले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड द्वारा प्रति वर्ष कितने निर्धन परिवारों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 600 परिवार। 78, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 8 उद्देश्यों को निम्नांकित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया? यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 8 उद्देश्यों को निम्नांकित में से किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक विकास मंत्रालय। क्या? सामुदायिक विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 79, ग्रामीण शिक्षकों के हितों की सुरक्षा किस मंत्रालय की जिम्मेदारी मानी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सामुदायिक विकास मंत्रालय। क्या? सामुदायिक विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 80, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु नीति निर्धारित करने हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। 81, जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समग्र दायित्व किसका है? तो जिला परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद। 82, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ग्राम सेवक की। किसकी? ग्राम सेवक की। ऑप्शन बी राइट आंसर, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक की नियुक्ति कितने ग्रामों के लिए की जाती है? तो ग्राम सेवक की नियुक्ति 10 ग्रामों के लिए की जाती है, ऑप्शन ए 10। 84, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषता है? और इसका राइट आंसर यानी उपयुक्त सभी, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता, स्थानीय आवश्यक एवं जन सहभागिता, आम जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों का परस्पर सहयोग। यानी आम जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों का परस्पर सहयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 29 विषयों पर, ऑप्शन सी 29 विषय। 86, 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश में कितने स्तरों वाली पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी 3 स्तर की व्यवस्था।
87 सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किसने मौन क्रांति की संज्ञा दी? किसकी? मौन क्रांति। तो जवाहरलाल नेहरू ने मौन क्रांति की संज्ञा दी किसको? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को। 88 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के दृष्टिकोण एवं विचारों में परिवर्तन लाना है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो डॉग हैमरसोल्ड का। किसका? डॉग हैमरसोल्ड का यह कथन है। 89 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी यानी आवास उपबंध कराना, यानी आवास उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास करना, इसका राइट आंसर है 89 का ऑप्शन डी, ये सभी। 90 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम प्रायोगिक योजना उत्तर प्रदेश के किन जिलों में क्रियान्वित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गोरखपुर और इटावा। क्या? गोरखपुर और इटावा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। 91 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कितने विकास खंडों की स्थापना के साथ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 55। 92 सामुदायिकता यानी सामुदायिकता का विचार भारत के लिए उतना ही पुराना है जितने वेद और प्राचीन भारतीय सभ्यता, यह कथन किसका है? श्री राम माहेश्वरी का। किसका? श्री राम माहेश्वरी का यह कथन है। 93 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश के सहयोग से शुरू हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया। 94 निम्नांकित में से क्या 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंचायती राज ट्रिब्यूनल की स्थापना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 जिलाधीश को जिला परिषद का अधिशासी अधिकारी बनाए जाने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो पीके थुंगन समिति। क्या? पीके थुंगन समिति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 पंचायती संस्थाओं के गठन की दृष्टि से निम्नांकित यानी निम्नांकित में से कौन सा प्रांत बेमेल है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 97 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीमल। क्या? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 98 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 1986 में, ऑप्शन सी 1986 राइट आंसर। 99 पंचायती संस्थाओं से जुड़े विवादों को हल करने हेतु पंचायती राज ट्रिब्यूनल की स्थापना की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जिला परिषद को पंचायती राज का केंद्र बनाए जाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो पी के थुंगन समिति द्वारा दिया गया। तो साथियों 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 101 73वें या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से किन राज्यों के क्षेत्रों का मुक्त रखा गया? यानी 73वें या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से किन राज्यों के क्षेत्रों को मुक्त रखा गया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी ये सभी, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। 102 73वें व 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को किस राज्य में किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, राज्य सरकार द्वारा
कानून बनाकर, क्या राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। यानी 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नांकित में से किससे है, तो नगरीय स्वशासन से, किससे, नगरीय स्वशासन से है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नांकित राज्यों को उनके द्वारा अपनाई गई पंचायती व्यवस्था वर्षवार के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित कीजिए एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह क्रमवारी लगे हुए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी 1, 2, 3, 4, पहला राजस्थान, असम, मैसूर और महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती संस्थाओं के किस स्तर को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, तो खंड स्तर को, किसको, खंड स्तर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंड स्तर। 106, जीवी के राव समिति की प्रमुख सिफारिश निम्नांकित में से क्या थी, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ग्रामीण विकास हेतु योजना बनाने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू करने का कार्य पंचायतों को सौंपा जाए, महिलाओं व कमजोर वर्गों का पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पंचायतों का कार्यकाल 8 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन डी, ये सभी इसका राइट आंसर है। 107, मूल रूप से संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, तो चौथे भाग में, यानी चौथे भाग में। 108, भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन किस विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो स्थानीय स्वशासन विभाग, किसके, स्थानीय स्वशासन विभाग। क्वेश्चन नंबर 109, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया, कब, 1952। 110, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नियुक्त अध्यक्ष दल के अध्यक्ष कौन थे, यानी क्वेश्चन द्वारा देख लो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु नियुक्त अध्यक्ष दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। तो ये थे हमारे 110 क्वेश्चन, 110 का राइट आंसर है बलवंत राय मेहता। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें।